आप सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक रायपुर छत्तीसगढ़ से। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद की एक सुविख्यात औषधि आरोग्यवर्धनी वटी या आरोग्यवर्धनी रस के बारे में। आरोग्यवर्धनी वटी, पहले इस दवा के नाम का मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। आरोग्य मतलब गुड हेल्थ, वर्धनी मतलब प्रमोटर और वटी मतलब पिल्स या टैबलेट। तो वह दवा या टैबलेट जो गुड हेल्थ को प्रमोट करे, या हिंदी में कहे तो ऐसी दवा जो आरोग्य को बढ़ाए, आरोग्य की वृद्धि करे, आरोग्य का वर्धन करे, उस दवा को आरोग्यवर्धनी वटी कहते हैं। अतः इस दवा के नाम से ही इस दवा के गुण, धर्म, कर्म और प्रभाव यानी कि इफ़ेक्ट्स का पता चलता है। और वाकई यह दवा बहुत ही बेजोड़ और बड़े काम की दवाई है। आयुर्वेद में रुचि रखने वाले बहुत से लोगों ने इसका नाम अवश्य सुना होगा और कई लोगों ने इसके गुणों को जानते हुए इसका उपयोग करके स्वास्थ्य लाभ लिया होगा। लेकिन अगर आपको इस अद्भुत और गुणकारी दवा के बारे में जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि आरोग्यवटी क्या है, इसके कंटेंट क्या क्या हैं, तथा यह दवा कौन कौन से रोगों में उपयोगी होती है, तथा इसका प्रयोग कब, कैसे और कितनी मात्रा में करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप मुझसे किसी बीमारी के संबंध में परामर्श लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मात्र 149 रुपये गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके, फिर अपनी समस्या व्हाट्सअप मैसेज द्वारा बताकर या फोन कॉल करके बताकर इलाज और दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। पर आपसे एक निवेदन है कि कृपया फोन कॉल सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच तथा शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच में ही करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं आरोग्यवर्धनी वटी के बारे में। आरोग्यवर्धनी वटी यह हर्बो मिनरल्स फार्मुलेशन वाली एक आयुर्वेदिक औषधि है, मतलब इसमें जड़ी बूटियों के साथ साथ मेटल्स व मिनरल्स का भी कॉम्बिनेशन होता है। यह एक रस औषधि है, मतलब कि इसमें पारा या मरकरी मिला हुआ होता है और इसके साथ साथ इसमें आयरन तथा कॉपर के कंपाउंड, इसके अलावा अन्य मेटल्स तथा मिनरल्स इसमें मिले हुए होते हैं। लेकिन इन सभी हैवी मेटल्स को इस प्रकार की दवाओं में शोधित करके, मतलब प्यूरीफाई फॉर्म में मिलाया जाता है, जिससे उनका हमारे शरीर पर हानिकारक या कोई नुकसान देने वाला प्रभाव मत हो, बल्कि वह हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो, हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करे, इस प्रकार के फॉर्म में मिलाया जाता है। और आरोग्यवर्धनी वटी, इस दवा में कुल 12 कंटेंट होते हैं, जिसमें से 6 हर्बल कंटेंट होते हैं तथा 6 कंटेंट मिनरल तथा मेटल वाले होते हैं। कुटकी यानी कि जिसे पिक्रोराइजा कुर्रो कहते हैं, यह इस दवा का मुख्य घटक होता है तथा यह इसमें 50% की मात्रा में मिला हुआ होता है। और यह कुटकी पित्त विरेचन गुण वाली होती है, मतलब यह दूषित पित्त को शरीर से निकालने का काम करती है। तो इस प्रकार हर्बल प्लस मिनरल प्लस मेटल, इन सभी दवाओं का एक साथ कॉम्बिनेशन के रूप में मिले हुए होने के कारण यह आरोग्यवर्धनी वटी एक बहुत ही स्ट्रांग, पोटेंट और पावरफुल फार्मूला वाली दवाई होती है। और इसी कारण ही यह एक नहीं बल्कि बहुत से रोगों में उपयोगी होती है, लाभकारी होती है। तो आइए जानते हैं कि आरोग्यवर्धनी वटी का उपयोग कौन कौन सी बीमारियों में फायदेमंद होता है। लेकिन एक विशेष और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, यह एक रस औषधि है, मतलब कि इसमें मरकरी यानी कि पारा और अन्य हैवी मेटल्स होते हैं। अतः इसका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह के अनुसार ही करना चाहिए, बगैर चिकित्सक की सलाह के इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं आरोग्यवर्धनी वटी के फायदों के बारे में। आरोग्यवर्धनी वटी का उपयोग मुख्य रूप से लीवर से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों, जैसे कि पीलिया या जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक लीवर, फैटी लीवर, इन सभी रोगों में आरोग्यवर्धनी वटी का उपयोग बहुत ही लाभकारी और फायदेमंद होता है। और चूंकि यह दवा एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी वाली होती है तथा और इसमें कुटकी मिला हुआ होने के कारण यह दूषित पित्त दोष को शरीर से बाहर निकालती है, इसलिए यह दवा लीवर प्रोटेक्टिव तथा लीवर करेक्टिव नेचर की होती है। मतलब यह लीवर के सेल्स और लीवर के फंक्शंस को सुधारने का काम करती है, लीवर के सेल्स को मजबूत बनाती है और बाइल के सिक्रीशन को बढ़ाती है। और इसी कारण यह दवा लीवर से संबंधित रोगों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। लीवर से संबंधित रोगों में इस दवा को लीवर सिरप के साथ लेने से यह ज़्यादा असरकारक होता है। सूजन की समस्या में लाभकारी। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के कारण आरोग्यवर्धनी वटी सूजन, विशेषकर आंतरिक अंगों जैसे कि लीवर, किडनी, स्प्लीन, यूटेरस, इन सभी अंगों में होने वाले सूजन को कम करने में उपयोगी होता है। इसी कारण ही यह दवा गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, इन सभी समस्याओं में आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग करने से लाभ मिलता है।
और यह दवा शरीर से अतिरिक्त पानी को निकालने का भी काम करता है। इसी कारण एसआईटिस मतलब कि जिसमें बार बार पेट में पानी भरने की समस्या हो जाती है, इस रोग में भी यह लाभकारी होता है। इसी प्रकार हाथ या पैरों के सूजन जिसे कि पीडल इडिमा कहते हैं, इस रोग को दूर करने में भी यह आरोग्यवर्धनी वटी लाभकारी होता है। सूजन की समस्या को दूर करने के लिए आरोग्यवर्धनी वटी का उपयोग पुनर्नवा काढ़ा के साथ मिलाकर करना चाहिए। आरोग्यवर्धनी वटी का उपयोग पाचन संबंधी दिक्कतों को दूर करता है। आज के समय में पाचन संबंधी समस्या किसे नहीं है, अधिकांश लोग पाचन की समस्या से पीड़ित हैं, परेशान हैं। और चूंकि यह दवा हमारे लीवर को मजबूत बनाती है, साथ ही साथ इसमें चित्रक तथा त्रिफला भी मिला हुआ होता है। चित्रक दीपन तथा पाचन गुण वाला होता है, मतलब यह हमारे शरीर की अग्नि को दीप्त करता है, मतलब भूख को बढ़ाता है और भोजन के पाचन में मददगार होता है। इसी प्रकार त्रिफला भोजन का पाचन करता है तथा कब्ज की समस्या को दूर करता है, माइल्ड लग्जेटिव प्रॉपर्टी वाला होता है। अतः इन सभी के मिले हुए होने के कारण आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग करने से भूख बढ़ती है, खाने का पाचन सही ढंग से होता है तथा कब्ज की समस्या दूर होती है। अतः आरोग्यवर्धनी वटी का उपयोग करने से पाचन संबंधी सभी दिक्कतें दूर होती हैं। पाचन संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए आरोग्यवर्धनी वटी का उपयोग कुमार यासव या अभयारिष्ट के साथ करना चाहिए। आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग करने से बैड फैट या हमारे शरीर का एक्सेस फैट धीरे धीरे कम होता है। इसके प्रयोग से हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड की समस्या धीरे धीरे कम होती है, मोटापा कम होता है और वजन नियंत्रित होता है। अतः ऐसे लोग जो मोटापे से पीड़ित हैं या जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, लिपिड बढ़ा हुआ है, इन लोगों को आरोग्यवर्धनी का प्रयोग मेदोहर गुग्गुल या कांचनार गुग्गुल के साथ मिलाकर करना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और फैट को कम करने के कारण यह आरोग्यवर्धनी वटी हमारे हृदय के लिए भी हितकारी होता है और यह दवा हृदयगत बीमारियों के जोखिम को प्रभावी ढंग से कम करने का काम करता है। आरोग्यवर्धनी वटी का उपयोग स्किन डिसऑर्डर मतलब त्वचा संबंधी विभिन्न रोगों में कारगर होता है। आरोग्यवर्धनी वटी में सल्फर तथा नीम के पत्तों का रस मिला हुआ होने के कारण यह एंटीमाइक्रोबियल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी वाला होता है तथा इसमें कुटकी जो कि पित्त का विरेचन करता है, मतलब पित्त से संबंधित दोषों को कम करता है, इसलिए यह ब्लड प्यूरिफायर की तरह भी काम करता है। और इन सभी गुणों से युक्त होने के कारण यह आरोग्यवर्धनी वटी त्वचा से संबंधित सभी रोगों जैसे कि एक्ने पिंपल्स मतलब कि कील मुहासों और फोड़े फुंसियों, दांत, खुजली, एक्जिमा, इन सभी त्वचागत रोगों में अत्यंत लाभकारी होता है। यह त्वचा में होने वाली खुजली और खुजली के साथ उस स्थान पर होने वाले जलन को भी कम करने में उपयोगी होता है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में आरोग्यवर्धनी वटी का उपयोग गंधक रसायन के साथ या खदिरारिष्ट के साथ या महामंजिष्ठादि क्वाथ के साथ करना चाहिए। आरोग्यवर्धनी वटी के प्रयोग से एनीमिया यानी कि खून की कमी और कुपोषण की समस्या भी दूर होती है। आरोग्यवर्धनी वटी में उपस्थित लौह भस्म हमारे शरीर में रक्त की कमी को पूरा करता है और खून के स्तर को बढ़ाता है, एनीमिया को दूर करता है। और लौह भस्म के साथ ही इस दवा में उपस्थित अन्य खनिज लवण हमारे शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर का सही ढंग से पोषण होता है, समुचित विकास होता है। और क्योंकि इस दवा में शिलाजीत भी मिला हुआ होता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है। और इन सभी के अलावा आरोग्यवर्धनी वटी का उपयोग पुराने बुखार को ठीक करने में भी होता है। कई बार बुखार हफ्ते 10 दिन तक भी ठीक नहीं होता है, ऐसे बुखार को जीर्ण ज्वर कहते हैं, मतलब कि पुराना बुखार कहते हैं। और ऐसी स्थिति में भी आरोग्यवर्धनी वटी का उपयोग इस बुखार को ठीक करने में लाभकारी होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि आरोग्यवर्धनी वटी एक बहुउपयोगी बहुगुणकारी दवाई है और इसका उपयोग सही मात्रा में, सही समय में, सही कॉम्बिनेशन के साथ करने पर यह अपने नाम के अनुरूप ही बीमारियों को दूर करके आरोग्य को बढ़ाने का, आरोग्य के वर्धन का काम करती है। लेकिन किसी भी दवा से फायदा या नुकसान उसके डोज पर डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं आरोग्यवर्धनी वटी के सामान्य डोज के बारे में। आरोग्यवर्धनी वटी को 150 मिलीग्राम की मात्रा से लेकर 500 मिलीग्राम की मात्रा में एक से दो गोली सुबह और रात में खाना खाने के आधे घंटे बाद दूध के साथ, शहद के साथ या पानी के साथ लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात फिर से दोहराना चाहूँगा, क्योंकि यह दवा रस औषधि है, मतलब कि इसमें हैवी मेटल्स मिला हुआ है, इसलिए इस दवा का उपयोग करने से पहले एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से अवश्य सलाह लेनी चाहिए। बगैर चिकित्सकीय सलाह के इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए।
और इस दवा को लेते समय अच्छी कंपनी की ही दवा लेनी चाहिए या डॉक्टर ने जो दवा रिकमेंड की हो उस कंपनी की दवा ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर दवा अच्छी नहीं बनेगी या दवा की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसमें मौजूद मेटल्स अगर शुद्ध रूप में मतलब प्यूरिफाई फॉर्म में नहीं होंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अतः इस दवा का उपयोग वैद्यकीय निरीक्षण में या चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। साथ ही साथ इस दवा की मात्रा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और जितने दिनों के लिए आपको दवा दी गई है उतने ही दिन तक आपको दवा लेना चाहिए और बगैर चिकित्सक की सलाह के उससे ज़्यादा दिनों तक इस दवा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस दवा को गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा 15 वर्ष से कम उम्र के छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग किडनी से संबंधित गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उन लोगों को भी आरोग्यवर्धनी वटी का सेवन नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है ऐसे लोगों को भी इस दवा का सेवन करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आरोग्यवर्धनी वटी एक बहुत ही लाभकारी और गुणकारी औषधि है। आप भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर आरोग्यवर्धनी वटी का उपयोग करें और अपने आरोग्य का वर्धन करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।